जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद रिहा। महबूबा बोली, 5 अगस्त का काला फैसला हर पल रूह पर करता रहा वार, नहीं भूलेंगे बेइज्जती, कश्मीर के हक की लड़ाई रहेगी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में रात के अंधेरे में गैंगरेप पीड़िता के अंतिम संस्कार को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन। ऐसे हालात में अंतिम संस्कार का नियम बनाने के लिए योगी सरकार को दिया निर्देश। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 24 घंटे में हुई 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, निचले इलाके पानी में डूबे। घर ढहने से 11 की मौत, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हाई अलर्ट। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ को देखते हुए रेलवे चलाएगा 392 त्योहार स्पेशल ट्रेनें। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ये विशेष ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण से राजधानी दिल्ली की हवा खराब। बीते 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी, तापमान में कमी और हवा न चलने से बढ़ी मुश्किलें। बलात्कार के आरोप से घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत। रेप का आरोप लगाने वाले एलएलबी की छात्रा बयान से पलटी, सरकारी वकील का आरोप, कोर्ट के बाहर दोनों में हुआ समझौता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पत्र के जवाब में कहा, मेरे हिंदुत्व को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कोश्यारी ने पूछा था कि राज्य में मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे, क्या हिंदुत्व छोड़कर हो गए हैं धर्मनिरपेक्ष। दुनिया की मशहूर टेक कंपनी एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज की लॉन्च, 5G तकनीक से लैस 4 मॉडल उतारे बाजार में। एप्पल प्रमुख टिम कुक बोले, ये आईफोन के लिए नए युग की शुरुआत। आईपीएल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से हराया। दुबई में हुए इस रोमांचक मैच में जीत के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में 6 नंबर पर, हैदराबाद की 5वीं हार।